नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे इंटरेस्टिंग जीके से रिलेटेड कुछ मजेदार सवाल पूछे जाएंगे, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, ये सवाल आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल होंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो आपको रोज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है लेकिन नज़र नहीं आती है। दोस्तों, इसका आंसर अगर आपको पहले से पता है तो 5 सेकंड के अंदर अपना आंसर कमेंट करें। अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो। तो इसका सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण। दूसरा सवाल है, ऐसा कौन सा काम है जिसे हम सुबह ही कर सकते हैं लेकिन रात को नहीं। इसका सही आंसर है ब्रेकफास्ट। तीसरा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत तेज़ चलती है फिर भी हम उसे बिना छुए रोक सकते हैं। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और हो सके तो अपना जवाब कमेंट ज़रूर किया करें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो इसका सही आंसर है हमारी सांसें। चौथा सवाल है, वह कौन सी आवाज़ है जिसे सब सुन सकते हैं लेकिन आप नहीं सुन सकते। इसका सही आंसर है आपके खर्राटों की आवाज़। पांचवा सवाल है, मनुष्य की लंबाई सबसे अधिक किस उम्र में बढ़ती है। इसका सही आंसर है 16 से 17 साल की उम्र में। छठवां सवाल है, वह क्या है जब बारिश नीचे आती है तब वो ऊपर जाती है। इसका सही आंसर है छाता। सातवां सवाल है, कौन सा देश पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ी नॉलेज मिल जाए। तो इसका सही आंसर है न्यूवाड़ा देश। आठवां सवाल है, किस चीज़ को हम हवाई जहाज़ में नहीं ले जा सकते। इसका सही आंसर है नारियल को। नौवां सवाल है, ऐसा कौन सा काम है जिसे लड़कियां मरने के बाद भी कर सकती हैं। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो रोज़ सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो आपको रोज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहें। इसका सही आंसर है अंगदान। दोस्तों, अंगदान हर मरे हुए इंसान के अंगों का किया जा सकता है लेकिन उसके घर वालों की इजाज़त होने पर। दसवां सवाल है, ऐसा कौन सा देश है जहां के लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं। इसका सही आंसर है ध्रुव प्रदेश के लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे भी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जब तक चैनल से जुड़े रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।